Professor Dr. Vivek Gupta, Delhi Apollo Hospital, Senior Cardiologist and also Chairman of Indo-European and American Conclave. देखिए ओमिक्रॉन वायरस के बाद आने की बात से पहले ही बात चल रही थी बूस्टर डोज के बारे में. बूस्टर वैक्सीन डोज कहने का मतलब यह है कि जिनको दो वैक्सीनेशन हो चुकी है और छः महीने निकल चुके हैं, जिनको दो वैक्सीन लग चुकी है और छः महीने पहले, जिसमें मैं भी ऐसे ही हूँ, मेरे फरवरी एंड में लगी थी सेकेंड डोज, तो क्या उनको थर्ड डोज लगनी चाहिए? आंसर इज यस. आंसर इज यस बिकॉज क्योंकि इसलिए लगाएंगे क्योंकि उनको उनकी इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज वाली जो इम्यूनिटी है वो कम होती है और एंटीबॉडीज कम है. अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि एंटीबॉडी टेस्टिंग पहले करें फिर लगवाएं, तो सबकी एंटीबॉडी टेस्टिंग करके लगवाना तो मुश्किल होता है. तो इट इज़ यूजफुल कि ये भारत सरकार को एक नियम लाना चाहिए कि बूस्टर डोज शुड बी स्टार्टेड एंड दे हैव टू डू इन फेजेस. सबको तो नहीं लगाएंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए तो होने चाहिए, और जो ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, एक्सपोज हैं या लेस देन 60 हैं या कोमॉर्बिडिटी वाले हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे फेजेस में हम लोगों ने शुरू किया था वैक्सीनेशन ड्राइव जब शुरू हुई थी, जब 16 जनवरी 2021 में जब शुरू हुई थी वैक्सीनेशन ड्राइव, तो उस समय जो जिस तरह से प्लानिंग की थी उसी तरह से प्लान करना पड़ेगा. तो बूस्टर डोज का मतलब दो तरह का हो सकता है. एक होता है कि जिसकी जिसको कोविशील्ड लगी है उसको वही वैक्सीन लगा दी जाए. अब कुछ एक स्टडीज आई हैं कि हाइब्रिड कर सकते हैं, कहने कि किसी को कोवैक्सीन लगी है उसको कोविशील्ड और इसको कोविशील्ड लगी है उसको कोवैक्सीन, या फाइजर की लगवा लें. कुछ हमारे दोस्त हैं इंग्लैंड गए, उन्होंने फाइजर लगवा के चले आए, क्योंकि इंग्लैंड में इट इज़ यू जस्ट एंटर द क्लिनिक एंड यू गेट द वैक्सीन डन. यहाँ पे जैसे हमारा पूरा डेटा चेक होता है कि आपको दो लग चुकी है तो आपको थर्ड लगाना जरूरी नहीं है. तो ये हाइब्रिड का सिस्टम क्या है? हाइब्रिड में कहते हैं कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स और ज़्यादा होता है, बट दे आर वेरी लिमिटेड स्टडीज. तो एज ऑफ नाउ बूस्टर मीन्स सेम वैक्सीन का 6 महीने या 9 महीने निकलने के बाद लगवाना चाहिए. लेकिन भारत में अभी तक इसकी गाइडलाइन नहीं आई है. जब तक गाइडलाइन नहीं आएगी तब तक वैक्सीनेशन सेंटर आपको नहीं लगाएगा, क्योंकि उसमें सब ऐप में जाता है. इट गोज टू द सिस्टम जो कि कंप्यूटराइज सिस्टम है. तो बट मेरी थिंकिंग है कि बूस्टर शॉट का जल्दी से जल्दी अवेलेबिलिटी और गाइडलाइन लाएं, जिससे कि भारत की जनता को और हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको लग जाए एंड दे फील मोर प्रोटेक्टेड. थैंक यू वेरी मच. दिस इज नॉट ओनली फील बट दे गेट मोर प्रोटेक्शन. डॉक्टर वेगुप्ता, अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से 7 दिसंबर. थैंक यू.